जो भाई हैं वो भी मौजूद रहेंगे, उत्कर्ष मेहता दोनों ही भाई हैं और दोनों ही इस प्रोजेक्ट मैनेजर हैं साथ में। उसके अलावा जो जेट कंपनी के जो और उनके सबॉर्डिनेट, और ये देखिए हो गया मलबा, ये जो भ्रष्टाचार का टावर है वो जमींदोज हो गया है। और धूल का गुबार देखिए, ढाई बजते ही इसको ढाया गया है, धूल का गुबार है। और आप देखिए किस तरीके से जो एक पूरा गुबार है वो उड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हवा बिल्कुल नहीं कर, ब्लास्ट किया है सुपर टेक का एमरल्ड कोट है, वो नजर नहीं आ रहा है धूल के गुबार में। और जो धूल का वो नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहा है, वहां पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। एटीएस विलेज बिल्कुल बगल में है, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है सुपर टेक एमरल्ड, नजर नहीं आ रहा है। और क्या मलबा अगल बगल एमरल्ड में या फिर एटीएस विलेज में गया है, ये विस्फोट जब ये धूल कम होगी तब पता चलेगा। और जो नोएडा अथॉरिटी और एडिफाइस का कहना है कि ये जो धूल है वो लगभग 15 से 20 मिनट में सेटल होगी। और इस वक्त बताएं तो हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, आसमान में बादल है लेकिन हवा नहीं चल रही। और जैसे ही ब्लास्ट हुआ है पंक्षी इधर उधर भागने लग गए हैं, समझ सकते हैं 3,700 किलो का ये जो है विस्फोट। और हमें अभी सुपर टेक एमरल्ड का दो टावर नजर आ रहे हैं कपड़े में, अभी तक तो लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। और धूल का गुबार अब एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ता हुआ और बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं गया रही है। और जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ है वैसे जो स्मॉग गन्स लगाए हैं नोएडा अथॉरिटी ने उनको चालू कर दिया गया है कि बिल्कुल जल्दी से जल्दी, ताकि प्रदूषण ज्यादा देर ना रहे, उसको बैठाने की कोशिश है। लेकिन इस धूल के गुबार का बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है, इसकी सफाई की जाएगी। अभी आपको ये एटीएस विलेज आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ से ग्रीन कलर का उसका जो पीक है वो नजर आ रहा होगा। और अभी जो धूल है वो सुपरटेक एमरल्ड टावर है, जो सोसाइटी है जिसने मुकदमा लड़ा था इस बिल्डिंग को जमींदोज करने का, वो नजर आ रही होगी। उसमें पूरा तरीके से धूल में है पूरा जी, जो डस्ट है वो एक्सप्रेस देख सकते हैं इस वक्त, वो इसीलिए विलेज है विजिबिलिटी जीरो हो जाएगी। जब डेमोलिशन किया जाएगा तो विजिबिलिटी जीरो हो जाएगी, इसीलिए एक्सप्रेसवे को बंद किया जाएगा। 2:45 तक एक्सप्रेसवे बंद हो जाएगा, 3 मिनट हो चुके हैं डेमोलिशन के, तो धीरे धीरे अब देखिए धूल सेटल हो रही है। विलेज और बगल में सुपरटेक एमरल्ड सोसाइटी हमें नजर आ रही है, ये नॉन जियो सौरभ एक बार बता दें, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं अपने व्यूअर्स को बता दें कि जिसका इंतजार था वो ट्विन टावर ध्वस्त हो चुके हैं इस वक्त। और बिल्कुल सेकंड्स में, 3 से 9 सेकंड के अंदर सीधा गिरा है, सीधा ध्वस्त हुआ है ये जो ट्विन टावर था। और एक बहुत दूर दूर तक इसका अभी जो धूल का गुबार है वो उठ रहा है, इसके ऊपर पानी का छिड़काव होगा ताकि वहां पर धूल सेटल हो सके। लेकिन दूर दूर तक अभी धूल फैली है, बल्कि कुछ देर के लिए बिल्कुल आसपास की कोई भी बिल्डिंग जो सबसे सटी बिल्डिंग है सुपर टेक एमरल्ड और एटीएस विलेज वो नजर नहीं आ रहा था। यहां पर अगर देखें तो इसको दल भी लगाया गया था।